एक और ग्रीन कैंडल बनती है तो इसे हम बोलेंगे गाइज मॉर्निंग स्टार। ओके समथिंग गाइज, मैंने $600 का ट्रेड लिया है, हम रहता है कि भाई मार्केट यहाँ से सेम पे ही रहेगा और मुझे प्रॉफिट दे के ही जाएगा। राम राम डियर ट्रेडर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। ट्रेडर्स, आज के वीडियो पे हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ट्रिपल लेयर बॉटम के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि अगर तीन बार एक कैंडल अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करती है तो उसके बाद क्या वहाँ पे ब्रेकआउट होगा या फिर क्या होगा। ठीक है, उससे पहले तो गाइस यहाँ पे मैं 2 मिनट का ट्रेड ओपन करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को 4 से 5 कंफर्मेशन मिल रही है गाइस। यहाँ पे मेरे को इन सभी का कंफर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस बियरिश पावर का कंफर्मेशन देखिए, बुलिश पावर का कंफर्मेशन देखिए, MACD का कंफर्मेशन देखिए, ज़िगज़ैग और पैराबोलिक, ये तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किस प्रकार से रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ये 5 से 6 कन्फर्मेशन के माध्यम से मैंने यहाँ पे $100 का ट्रेड ओपन करा है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये मैंने जस्ट स्टार्टिंग ट्रेड ओपन करा। ठीक है, बट मैंने कन्फर्मेशन आपको बहुत हद तक बता दी है कि मार्केट कैसा जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से अब ट्रेड ही जाएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनती है तो इसे हम बोलेंगे गाइज मॉर्निंग स्टार। ओके, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, पूरे सीरीज आगे आएगी कि किस कैंडल्स को क्या बोला जाता है, डोजी किसे बोला जाता है, क्या डोजी कैंडल के बाद मार्केट रिएक्ट करती है, मार्केट में रिजेक्शन होता है, मार्केट चेंज होता है, तो इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे आगे आने वाली सीरीज पे। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 मिनट का ट्रेड ओपन करा है, जिसमें से मेरी 1 मिनट जा चुकी है, 1 मिनट का ट्रेड बचा है उसको छोड़कर। तो गाइस ये हमारा 40 ट्रेड्स का पोर्टफोलियो है, इसमें से कुछ ट्रेड्स हमने कल आप लोग को OTC के दौरान लेके दिखाया था और कुछ ट्रेड्स हमारी सेशन के दौरान है गाइस। ठीक है, आज है गाइस मंडे, तो मंडे को ऑलरेडी आप लोग को पता है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो उतना अच्छे से नहीं बन पाता और मार्केट में जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 9 ट्रेड ओपन करी है, जिसमें से गाइस मेरा 4 ट्रेड जो है वो है मेरा 30 सेकंड का और बाकी की जो ट्रेड्स है वो है मेरी 2 मिनट की। ठीक है, 30 सेकंड का जो ट्रेड है वो भी पॉजिटिव में है और जो 2 मिनट का ट्रेड है वो भी पॉजिटिव में। यहाँ पे मैंने क्या देख के ट्रेड ओपन करा, सबसे पहले मैं बता दूँ बुल्स पावर का, बियरिश पावर का, बियरिश पावर ने यहाँ पे अपना मार्केट चेंज किया। बुल पावर में यहाँ पे एक छोटा सा 0 के लेवल के नीचे आप लोग को देखने को मिला। ओके, बाकी मेरी जितनी भी ट्रेड्स है गाइस वो मेरी प्रॉफिट में जा चुकी है $30 की। ओके, आगे हम बात करेंगे और यहाँ पे MACD का जो कैंडल है, कैंडल के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, MACD का जो कैंडल है वो भी आपको 0 के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है, प्लस छोटा कैंडल आपको यहाँ से फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, छोटा कैंडल्स यहाँ से आपको ऐसा बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी ये तो सीधा 0 के लेवल के नीचे ही आ गया। ओके, और ये तो ऑलरेडी 0 के लेवल के नीचे ही था। बाकी गाइस मैंने बुल्स पावर, बियरिश पावर के ऊपर एक सीक्रेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की गाइस हमारी एक जो ट्रेड थी वो हमारी लॉस गई है $100 की, उसके बाद जो हमारा सारा ट्रेड है वो हमारा प्रॉफिट में गया। ठीक है, मैंने 30 सेकंड की ट्रेड इसलिए ओपन करी बिकॉज मैं कंफर्म था, क्यों, क्योंकि ज़िगज़ैग, पैराबोलिक और कैंडल इन तीनों का वहाँ पे क्रॉस ओवर था। ओके, बाकी हम इन सारी स्ट्रेटजीज को यहाँ से हटा देंगे, देन अब हम चलेंगे गाइस हमारे पैटर्न पे कि हम किस पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ कि वो कौन सा पैटर्न है। तो वो पैटर्न है गाइस 3 लेयर बॉटम, वो हमारा कैंडल्स है, उसका नाम है 3 लेयर पैटर्न। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, फिर उसके बाद अपन लाइव मार्केट में भी देखेंगे कि क्या एक्चुअल में लाइव मार्केट में ये अपने को मिल रहा है। तो अपना जो गेम है गाइस, वो अपना जो गेम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, इसका प्राइस है, सपोज गाइस इसका प्राइस है हमारा 6015, इसका लोअर लो है। ओके, उसके बाद इसका जो सपोर्ट बना गाइस वो बना 6017। ओके, 6017 पे इसने यहाँ पे जो पहले तो अपना रेजिस्टेंस बनाया, देन उसके बाद इसी को इसने अपना सपोर्ट बनाया, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार, ओके, इसको अगर छोड़े तो 1 2 और ये 3 3 बार इसने अपने आप को रिपीट किया, रेजिस्टेंस देखे तो 1 2 3, उसके बाद गाइस इसने तीसरा जब रेजिस्टेंस टच किया तो इसका जो चौथा कैंडल बनेगा वो बनेगा इसका तीसरा सपोर्ट, सपोर्ट बनने के बाद ये अप जाएगा। यहाँ पे गाइस यहाँ पे ये अपना जो 6018 है इसे ये बनाएगा गाइस अपना सपोर्ट, पहले ये रेजिस्टेंस था बट ये अब बन चुका है सपोर्ट, और अगर अब ये सपोर्ट बना तो जाहिर सी बात है कि कैंडल जो है वो अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस टच करेगी इस लेवल पे।
जहाँ पे कैंडल्स का लास्ट जो बॉटम है, ओके, जहाँ पे कैंडल का लास्ट जो बॉटम है उस लेवल को ये टच करेगी और उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले ये रेजिस्टेंस था बट अब ये बन चुका है उसका सपोर्ट, फिर ये बनेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड ही पकड़ेगा तो फिर जो अभी उसका रेजिस्टेंस बना वो आगे चल के बनेगा उसका सपोर्ट। ओके, मैं आपको यहाँ पे गाइस पिक के माध्यम से समझा दूँ कि किसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे गाइस हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉटम के बारे में कि ये दिखता किस प्रकार से। ठीक है, ये डब्ल्यू के शेप में आपको दिखेगा। ठीक है, इसका हायर हाई रहेगा और ये लास्ट में गाइस हायर हाई पे जाके ही रुकेगा। ठीक है, उसको छोड़कर ये अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, पहले इसका सपोर्ट देखे तो 1, 2 एंड ये 3, और इसका रेजिस्टेंस देखे तो यहाँ पे इसने पहले अपना सपोर्ट था जो कि इसका बन चुका है रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और ये फोर्थ में करेगा इसको क्रॉस। ठीक है, अब इसी को गाइस अपन देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल मार्केट में भी वर्क करती है। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम प्राइस से देखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको एक लेवल ऐसा दिखेगा जहाँ से मार्केट बार बार आके वहाँ से अपवर्ड जा रही है, मतलब कि सपोर्ट हम उसे बोलेंगे गाइस कि मार्केट में बैठे हैं बायर्स। ओके, मार्केट में बायर्स बैठे हैं जो उसे खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक चीज़ का वेट करते हैं जो कि है प्राइस। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक सपोर्ट दिखा दूँ, इस लेवल को देखिए, यहाँ पे मार्केट बार बार आके सपोर्ट पे जा रही है। ओके, सो इसका अगर अपन प्राइस देखें गाइस तो ये इसका प्राइस है। ठीक है, 6013, तो 6013 पे जब मार्केट आती है तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो इसे 6013 पे परचेस करने के लिए तैयार है। ओके, सो ये सिंपली सी लैंग्वेज पे यही बोला जाएगा कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे जो बायर्स है वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो, उसे अपन बोलेंगे बायर्स, मतलब सपोर्ट। ओके, उसे अपन सपोर्ट बोलेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आप चेक कीजिए, इसका रेजिस्टेंस अभी ये बन रहा है। ओके, मतलब रेजिस्टेंस मतलब वहाँ सेलर्स बैठे हैं और इस ये प्राइस है गाइस लास्ट, ये जो बायर्स का प्राइस है गाइस वो है 6013 और जो सेलर्स का प्राइस है गाइस वो है 6016, मतलब जो 3 पिन का इसमें डिफरेंसेस आप लोग को दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बीच में जो मार्केट चलेगी उसे अपन बोलेंगे साइडवेज। ठीक है, साइडवेज कुछ इस प्रकार से आपको जाती हुई दिखेगी। ओके, साइडवेज भी सिर्फ और सिर्फ 3 बार अपने आप को फॉलो करेगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, ओके, सो गाइस अपन बात कर रहे थे सपोर्ट की। सपोर्ट के बारे में मैंने तो बता दिया कि जिस प्राइस पे बायर्स उसको खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं उसे अपन बोलेंगे सपोर्ट, और जिस प्राइस पे सेलर्स उसे बेचने के लिए तैयार बैठे हैं उसको बोलेंगे गाइस अपन रेजिस्टेंस। ओके, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो। ठीक है, अगर इसे अपन थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो आप चेक कीजिए कि गाइस अभी जो मार्केट जा रहा है वो जा रहा है अपने रेजिस्टेंस तक। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग देखिए कि मार्केट का जो प्राइस है। ओके, सो आप लोग देखिए गाइस कि मार्केट का जो प्राइस है वो है गाइस इसका लास्ट 6016। ओके, 6016 पीप पे अगर ये जाता है तो वहाँ से आपको सेल कर देना है, मतलब कि वहाँ से आपको डाउनवर्ड के लिए ट्रेड ओपन कर देना है। ओके, एंड अप के लिए ट्रेड ओपन करने से पहले देख ले कि मार्केट किस डायरेक्शन पे है। ओके, सो मार्केट यहाँ पे अपना सपोर्ट बना रही है, मतलब कि अगर मार्केट 6012 के डाउन पे जाती है तब जाके आपको वहाँ से परचेस कर लेना है, मतलब कि वहाँ से आपको अप ट्रेड के लिए सिग्नल 1 से 2 मिनट का। ओके, आगे अपन बताएंगे कि आपको कितने मिनट की ट्रेड ओपन करना है। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, देन उसके बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे है। ओके, देन इसके बीच में मार्केट चलेगी, और अगर बीच में मार्केट चल रही है तो साइडवेज चल रहा है। ओके, क्लियर। सो गाइस आई होप आप लोग को वो क्लियर होगा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्चुअल में होता क्या। ठीक है, यहाँ पे गाइस आप चेक कीजिए, यहाँ से मैं ट्रेड ओपन करूँगा, एक सेकंड में अपने रियल अमाउंट पे चला जाता हूँ। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे 3 मिनट का ट्रेड ओपन किया, क्या देख के ट्रेड ओपन करा। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, इसने जो अपना रेजिस्टेंस है इसको टच ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, यहाँ से 2 चीज़ होगा, या तो फिर ये इसे ब्रेकआउट करके डाउन के लिए बनेगा, या तो फिर ये इसे ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड जाएगा, अपना जो ट्रेंड है उसे चेंज करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है समथिंग गाइस, मैंने $600 का ट्रेड लिया है। ओके, जिसमें से मेरी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तीनों ट्रेड लगी हुई है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, आप लोग इसे समझ सकते हो कि बैटर किस पे काम करेगी। ठीक है, हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड ओपन करा। आप चेक कर सकते हो कि अपना जो रिजल्ट है वो कितना परफेक्ट जा रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे 3 मिनट का ट्रेड ओपन किया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो देखते हैं कि क्या होता है। सो जो 1 मिनट की ट्रेड है वो हमारी विन पे जा चुकी है। ओके,
और अभी दो ट्रेड चल रही है, ठीक है। हमने ट्रेड ओपन किया हुआ था, तीन ट्रेड ओपन किया था, एक मिनट दो मिनट तीन मिनट की, एक मिनट की जो ट्रेड है वो हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है। अभी चल रही है सेकंड और थर्ड, ओके। दोनों का जो देखे, अगर मैं यहाँ से क्लोज भी करता हूँ तो मैं $84-92 के प्रॉफिट में यहाँ बुक करूँगा, ओके। बट अपन क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वे है, ठीक है। तो गाइस आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है कि इससे पहले भी एक बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट चेंज किया था, यहाँ से सपोर्ट चेंज किया था, और ये जो थर्ड है वो यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे अब इसने अपना सपोर्ट चेंज किया था, ओके। जितना इजी हो सके उतना इजी मेथड में आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करके इसका जो स्क्रीनशॉट आप लोग हमें टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सिग्नल्स चाहिए तो गाइस टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है आप लोगों के लिए, फ्री ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप है, फीडबैक ग्रुप है। आप चाहें किसी भी ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, चारों फ्री है। चारों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे, इवन यूज़र आईडी मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे भी जाके सर्च ना कीजिए, अगेन मैं आप लोग को अवेयर कर दूँ क्योंकि फेक आईडीज बन चुकी है, आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो तीन ट्रेड मैंने ओपन किया था, तीनों का आप रेशियो चेक कीजिए। एक मिनट पे भी ये परफेक्ट है, दो पे भी परफेक्ट है, और तीन पे भी परफेक्ट है, अगर आप ऐसा मार्केट देखते हो जो मैंने देख के ट्रेड ओपन किया तो, ओके। सो फटाफट जो 30K का क्रियोसिटी है उसे कंप्लीट करवाइए। बाकी ऐसे वाले वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी गाइस इस वीडियो पे इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।